अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर साइंस। टुडे द डेट इज़ जनवरी 8, 2021 एंड द डे इज़ फ्राइडे। यूनिट नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। अब आज हम लोग फर्स्ट बेंच जो है हमारे पास सीक्वेंस, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या होता है और वो किस तरह से वर्कआउट करता है, वो किस तरह से काम करता है। पहले फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर। सीक्वेंस बेटा, आपको सीक्वेंस में सबसे पहले जो है वो किस तरह से काम करता है, वो हमेशा अपने जो नंबर है उसको ही लाइन नंबर को फॉलो करता है। ये नहीं है कि हमने पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद लाइन नंबर 20 को, वो एक सीक्वेंस के साथ चलता है। 10 के बाद 20 आता है तो वो 20 लाइन नंबर को ही एग्जीक्यूट करेगा, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे 1, 2, 3 है, इसी तरह वो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर लाइन नंबर होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो वो उसी लाइन नंबर को ही फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो फर्स्ट मच स्मॉलर देन हायर लाइन नंबर को फॉलो करता है, मतलब सबसे छोटी जो लाइन नंबर होती है पहले वो उसको देखता है, उसके बाद वो इसी तरह सीक्वेंस में हायर लाइन की तरफ मूव ऑन करता है। ठीक है, उसने एक सीक्वेंस में ही चलना है, सीक्वेंस के अलावा वो एग्जीक्यूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने प्रिंट करवाना है एरिया। ठीक है, अब एरिया के लिए मैंने उसको रिक्वायरमेंट्स दी हैं, मैंने उसे रेडियस बताया, आर की वैल्यू मैंने उसे दे दी है और फिर उसे कहा है कि एरिया जो है वो फाइंड आउट करके उसको प्रिंट कर दे। तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले लाइन नंबर लिखा, लाइन नंबर 10, रैम दिस प्रोग्राम डजंट ट्रांसफ़र कंट्रोल। रैम का मतलब बेटा ये एक स्टेटमेंट है रैम। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एज अ कमेंट यूज़ की जाती है। जब आप रैम लिख देते हैं और उसके आगे आप कुछ भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोग्राम है जो हमें समझ नहीं आएगा या हम बाद में भूल सकते हैं कि हमने ये वाली लाइन्स किस लिए लिखी हैं, तो वो याद रखने के लिए हम ये एज अ कमेंट अपने पास लिख लेते हैं। ये कमेंट के तौर पर हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जब हम रैम लिखकर आगे कुछ भी लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ हमें यहाँ प्रोग्राम में नज़र आता है, उसका आउटपुट पे कोई असर नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 पे आर इज़ इक्वल टू 10.5, आर की वैल्यू है 10.5। अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 और आर स्क्वायर, दो दफ़ा आर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर एंड मल्टीप्लाई बाय आर। इस तरह से जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसका जो भी वैल्यू आएगी वो जाकर एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके ये मल्टीप्लीकेशन होगी, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू थी हमारे पास 10.5। ये सारी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये स्टोर हो जाएगी जाके एरिया में। अब हम जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हमने इसको प्रिंट भी तो करवाना है। जब प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एरिया इज इक्वल टू एरिया। प्रिंट एक वर्ड है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो भी हमने काम किया है अपने प्रोग्राम में उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया लिखा है ये मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ जो है वो आपकी प्रिंट होती है आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया जो कीवर्ड है जो यहाँ पर लिखा था जिसके अंदर हमारे एरिया की वैल्यू स्टोर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एरिया के जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में शो होगी। तो आगे मैंने कर दिया एंड, जब एंड कर दिया है तो उसके बाद हमारे पास आएगी आउटपुट में हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 346.185। अब जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई की गई थी उनका जो रिज़ल्ट था वो एरिया में स्टोर हुआ था। एरिया के बाद हमने उसे प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के लिए भी हमने स्टेटमेंट लिखी। ये एरिया के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो हो गई, एरिया इज इक्वल टू 346.185। ठीक है बेटा, सीक्वेंस स्टेटमेंट, सीक्वेंस जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से काम करता है, वो लाइन के हिसाब से चलता है, लाइन बाय लाइन। पहले वो स्मॉलर लाइन से चलता है और फिर हायर लाइन की तरफ मूव करता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, वो इसी सीक्वेंस में ही काम करेगा। इसके अलावा वो ये नहीं करेगा कि पहले 10 को एग्जीक्यूट किया और फिर 50 को एग्जीक्यूट किया, वो इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो ये एक प्रोग्राम था एरिया फाइंड आउट करने का और हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट किया है इसके साथ। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।